And now Sena Radio Headline News. ये सीना रेडियो है और हेडलाइन समाचारों के अपडेट्स के साथ मैं हूं फरशेद अकरम। ओटावा में सरकारी सोर्सेज का कहना है कि कनाडा कोविड 19 वैक्सीन की 100 मिलियन डोजेज दुनिया के मुख्तलिफ देशों को डोनेट करेगा। उधर कनाडा सरकार बहुत जल्द कोविड 19 से जुड़ी सफर की पाबंदियों में ढील देने जा रही है। उधर कनाडा यूएस बॉर्डर को नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए रीओपन करने के बारे में आज किसी सरकारी ऐलान के आसार हैं। ऑन्टेरियो में आज से रीओपनिंग के फर्स्ट स्टेप की शुरुआत हो गई है। भारत में बीते दिनों बीजेपी ज्वाइन करने वाले टीएमसी नेता मुकुल रॉय आज तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए हैं। ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी को रीज्वाइन करते हुए मुकुल रॉय ने कहा है कि कोई भी अब बीजेपी में नहीं रहेगा। पाकिस्तान में आज सालाना बजट पेश कर दिया गया है। कम से कम तनख्वाहें 20,000 रुपए मुकर्रर की गई हैं और पेंशन्स में 10% का इजाफा किया गया है। लंदन ऑन्टेरियो में आज एक मल्टी फेथ मार्च ऑर्गेनाइज किया गया है। ब्रैम्पटन के बोवेड और ग्रेट लेक्स ड्राइव के इलाके में बीती रात एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है। उधर मार्कम ऑन्टेरियो में कल शाम एक 11 साल के लड़के की एक गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई जब वो अपनी साइकिल से हाईवे 407 की एक रैंप को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और सिटी ऑफ टोरंटो ने शहर के कुल 58 आउटडोर स्विमिंग पूल्स में से 10 को इस वीकेंड से रीओपन करने का ऐलान किया है। तो ये थे अभी तक के सीना रेडियो मुख्य समाचार। हमारे पूरे समाचार 9 बजे सुनना ना भूलें।